नमस्कार मित्रों, बद्रवी स्टडी में आपका स्वागत है। अपन लोग कल प्रश्नावली 18.1 तक अपन लोग 18.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन लोग कर चुके थे। अब अपन लोग बात करते हैं भाई क्लास 10 मैथ। बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 18। ठीक है, बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात है, दो सिक्कों को उछालने पर कुल घटना क्या बनेगी? वही बनेगी एस एन एस सी सी एन और सी सी। अब कह रहा है अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा एक पट्टाना ज्यादा से ज्यादा एक पट्टाना है, कम कितना लिया सकता है, ये ध्यान रखें भाई साहब। तो घटनाएं कितनी हो जाएंगी? अनुकूल घटनाएं। इसके अंदर कुल समस्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो यहां पे अनुकूल घटना कौन कौन सी? ज्यादा से ज्यादा एक थी, एक से ज्यादा टी है ना, ये नहीं चलेगा। एक से ज्यादा टी नहीं होना चाहिए, एक से एक थी, एक थी, एक थी या एक से ज्यादा तो नहीं है ना, और टी भी चलेगा, ध्यान रखें। एक तो हो जाएगा ऐसे, एक हो जाएगा एच सी, एक हो जाएगा सी एच। कितने होंगे? 3। तो प्रायिकता क्या होती है? बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी? 3। कुल घटना कितनी? 4। आंसर इस प्रकार से मतलब निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। हो सकता है मेरी क्वेश्चन का आंसर के अंदर आंसर गलत हो, वो कोई आप परेशानी ना लें, ये आपको बिल्कुल सही है, यही ध्यान रखें। क्योंकि इसके अंदर अधिक से अधिक एक टी का मतलब है एक से ज्यादा टी नहीं आना चाहिए, इसके अंदर एक ज्यादा टी नहीं है तो ये समस्या भी काउंट होती है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि उनकी संख्याओं का योग। सबसे पहली बात, एक पासे को दो बार उछालने पर कुल घटना, पासे पे 6 अंक होते हैं, 6 × 6 = 36। कौन कौन से होंगे बना लेते हैं अपन लोग, क्या हो गया? एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह। इसके बाद छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह छह, छह पांच, सॉरी छह पांच, कल देख सकते हो आप लोग 36 घटनाएं बनेगी। आप काउंट करें इनको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30। बच के रह के इसमें 1, 2, 3, 4 पांचवेल लाइन रही हो, तो पांचवेल लाइन और लिखें, 6 पे पहुंचे डायरेक्ट। क्या रह गया? 5 1, 5 2, 5 3,
पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छह एक, छह दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। अब थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ग्यारह, छः और छः बारह, छः छः अठारह, छः छः चौबीस, छः पाँच तीस, छः तीन छत्तीस, कुल टोटल घटना कितनी 36। अब इसको फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है अंकों का योग 9। नौ तो अनुकूल घटना कितनी है साहब, अंकों का योग 9। अंकों का योग 9 में भी मैं बात करूं तो अंकों का योग 9 क्या होगा, 6 और 3 9, 4 और 5 9, ये इसमें अंकों का योग 9 होगा। आप जोड़ सकते हैं, 6 और 3 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 3 और 6 9 होता है। तो कौन कौन सी है साहब, 3 6 4 5, 5 4 6 3, कितनी है 4। यहाँ अपन लोग बात करें प्रायिकता बराबर क्या है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है 4 और कुल घटना है कितनी 36। 4 × 4 4 × 9 36, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं के साथ में, तो अगला क्या पूछा, अंकों का योग, अंकों का योग पूछा आपने 13, अंकों का योग 13। अब अंकों का योग 13 की तरफ यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान दें, तो अनुकूल घटना 6 और 6 12 ज्यादा ज्यादा हो सकता है, 13 का कोई मतलब नहीं है। अनुकूल घटना 0, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो क्या हो गया 0/36, आंसर 0 आ जाएगा भैया इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका सेकंड भी हो जाना है। इस प्रकार से आराम से अपन लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं है। अब अपन लोग देखें अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं, रख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले के अंदर 5 लाल 3 सफेद गेंद है, लाल गेंद 5, सफेद गेंद 3, लाल गेंद 5, सफेद गेंद 3। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं कुल गेंद बराबर 5 + 3 बराबर 8। अब याद रखता है गेंद निकाली जाती है ना, इसकी क्या प्रायिकता, सफेद गेंद हो, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता। बराबर क्या होगा, सफेद गेंदों की कुल संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। सफेद गेंद कितनी है सर, 3, कुल गेंद कितनी है 8, ये आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्या है, सफेद गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, हाथ ही पता है नहीं कि निकालनी है, सफेद गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, तो एक में से घटा देंगे अपन लोग, आठ एकम 8, 8 में 3 रहेगा 5/8। आई बात समझ में, यहां तक अपन लोग देख सकते हैं, तो ज्यादा बड़ी और परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग देखें
देखो सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर रहे हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। कुल पेन 132 प्लस 12 114। समझ रहे हो? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादव से चुना जाता है तो उसका अच्छा पेन होने की प्रायिकता, एक पेन अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, एक अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता। कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन, कुल अच्छे पेन कितने हैं देखते हैं सर, 132 और कुल पेन 144। कट जाएगा सर, 6 दूनी 12, 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 से 24 पर 2 से कटेगा 11 और 2 से 12, तो क्या हो गया 11/12। ये मेरे पास में इसका आंसर आ जाना है। नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करते चलिए और अपनी पढ़ाई को बड़ा ही विस्तार तरीके से महत्वपूर्ण बनाते चलें, अपना कार्य करते चलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, आपका सौभाग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बावन पत्तों के इसी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल पत्ते कितने हैं? बावन। फर्स्ट पूछा है लाल रंग का गुलाम, तो सबसे पहले साहब लाल रंग के कुल गुलाम कितने होते हैं भाई? दो। कितने होते हैं लाल रंग के कुल गुलाम? दो। एक तो होता है पान का और एक होता है ईंट का, समझ रहे हो ना। तो लाल रंग के जो कुल गुलाम हैं, लाल रंग के कुल गुलाम है कितने? दो, एक पान और एक ईंट, ठीक है। तो लाल रंग का गुलाम निकलने की प्रायिकता का गुलाम निकलने की प्रायिकता क्या करेंगे सर? लाल गुलामों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। लाल गुलाम कितने हैं? दो। कुल पत्ते कितने हैं? 52। दो से कटेगा 26, तो कितना हो गया 1/26, 500। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे गौर फरमाएं। लाल रंग का पत्ता निकलने के प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते कुल पत्ते कितने होते हैं? 26। 13 + 13, 5 + 8, ठीक है सर। पर लाल रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता निकलने की प्रायिकता लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो देखिए सर, लाल रंग के कुल पत्ते
बटे लाल रंग के कुल पत्ते बटे कुल पत्ते, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26, और कुल पत्ते 52। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 का आंसर हो जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन लोग। कुल पत्ते कितने हैं? 52। थर्ड पान का इक्का, पान का इक्का कितने होते हैं? पान का इक्का अकेला होता है गड्ढी के अंदर, तो पान का इक्का निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता पान का इक्का की संख्या बटे कुल पत्ते। पान का इक्का 1, कुल पत्ते 52, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाना है। ये इसका थर्ड हो गया भाई। ठीक है सर, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करें। कोर्स इसका क्या दिया हुआ है, रफ कर देता हूँ। फोर्थ ईट की बेगम, ईट की बेगम कितनी होंगी भैया? ईट की बेगम ये भी एक हो गया, तो ईट की बेगम निकलने की प्रायिकता, ईट की बेगम निकलने की प्रायिकता। ईट की बेगम निकालने की प्रायिकता, कुल ईट की बेगम 1/2 कुल पत्ते। ईट की बेगम कितनी है? 1, कुल पत्ते कितने? 52। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाना है। ठीक है ना, नॉर्मल की बात है। सर लास्ट क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता। ठीक है, रफ कर लेते हैं। 6th है इसका, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते कितने हैं? कुल लगा दे, कुल हुक्म के पत्ते 52। अब लिख, सॉरी 52 नहीं 13। अब लिखते हैं सर हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो हुक्म के पत्तों की संख्या 1/2 कुल पत्तों की संख्या। हुक्म के पत्तों की संख्या कितने हैं? 13/52, 13 × 52, 1/4। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से अपन लोग इस प्रश्नावली को अपन लोग कर सकते हैं, और ये अपने आप लोगों की प्रोबेबिलिटी प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पहली वैदिक गणित के ऊपर बात करेंगे। पहली प्रश्नावली पहली और दूसरी होते हैं केवल अपने पास ज्योमेट्री में चाहिए, फिर ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे। हम लगातार आपके साथ में सतत बने हुए हैं, आप भी मेहनत करते रहें, पूरी टीम आपके लिए सेवा में तत्पर है। आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर से बेहतर बनाएं, बहुत ही अच्छा प्रक्रम आप लोगों के लिए मिल रहा है, उसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मेहनत करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं, आज अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करें। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर अवश्य करें। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।